हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बायोवेट। माय नेम इज अमन और स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और नए वीडियो में, जो कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी सीरीज की नई वीडियो है, जिसमें आज हम लोग स्पेसिफिकली डिस्कस करेंगे अबाउट प्लांट बेस्ड वेक्टर्स, जिसमें आज हम लोग स्पेसिफिकली डिस्कस करेंगे अबाउट टीआई प्लाज्मा। तो दोस्तों, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की अगर हम लोग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के हिसाब से ये जो टॉपिक है टीआई प्लाज्मा, काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। लोग अक्सर इसको लेके काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज भी रहते हैं, तो आज हम इसी टीआई प्लाज्मेट को डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स और भी बहुत सारे स्ट्रक्चरल चीज़ों को लेके। तो चलिए बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आइए देखते हैं कि आखिर ये टीआई है क्या। जो वर्ड है टीआई स्टैंड्स फॉर ट्यूमर इंड्यूसिंग, ट्यूमर का टी और इंड्यूसिंग का आई। तो आखिर एक टीआई प्लाज्मेट होता क्या है? टीआई प्लाज्मेट क्या होता है कि एक ऐसा प्लाज्मेट होता है जो कि पैथोजेनिक स्पीशीज में पाया जाता है। वो कौन सी स्पीशीज है जिसके अंदर ये प्लाज्मेट पाया जाता है? वो है एग्रोबैक्टेरियम स्पीशीज। जैसे फॉर एग्जाम्पल है हमारा एग्रोबैक्टेरियम ट्यूमिफेसियंस और एग्रोबैक्टेरियम राइजोजेनिस। तो यहाँ ऊपर राइट साइड में आप यहाँ डायग्राम देख सकते हैं, ये एग्रोबैक्टेरियम ट्यूमिफेसियंस का डायग्राम है और इसमें ये प्लाज्मेट टीआई प्लाज्मेट कुछ ऐसा इसके पास होता है। और ये जो टीआई प्लाज्मेट है, इसकी खास बात क्या है कि अगर जब ये टीआई प्लाज्मेट इसके अंदर होगा तो ये ऐसी डिजीज, ये नीचे जो प्लांट में है, ये क्राउन गॉल डिजीज कॉज करता है। ये जो प्लाज्मेट का प्रेजेंस है टीआई प्लाज्मेट का, इट इज़ वेरी एसेंशियल फॉर द बैक्टीरिया टू कॉज क्राउन गॉल डिजीज इन प्लांट्स। बेसिकली क्राउन गॉल डिजीज यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो ये एक ऐसा ट्यूमर जैसा इंड्यूस कर देता है प्लांट्स के अंदर। तो दोस्तों, आइए देखते हैं सबसे पहले कि ये एग्रोबैक्टेरियम स्पीशीज है क्या। तो एग्रोबैक्टेरियम स्पीशीज जो है ये एक ग्राम नेगेटिव सॉइल बैक्टीरियल स्पीशीज है और ये एक तरीके का नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर है। आखिर हम इसको नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसके पास एबिलिटी है प्लांट्स को ट्रांसफॉर्म करने की। ट्रांसफॉर्म करने का मतलब हम इजी वर्ड्स में ये समझ सकते हैं कि प्लांट को, ये जो एग्रोबैक्टेरियम स्पीशीज है, ये प्लांट को इन्फेक्ट करके उसके अंदर चेंजेस ले आ देता है। ओके, तो जो एग्रोबैक्टेरियम स्पीशीज है ये दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं एग्रोबैक्टेरियम ट्यूमिफेशियंस और एक होते हैं एग्रोबैक्टेरियम राइजोजीनिस। ओके, ट्यूमिफेशियंस के अंदर होता है टीआई प्लाज्मेट, वहीं राइजोजीनिस के अंदर होता है आरआई प्लाज्मेट। टीआई प्लाज्मेट कौन सी डिजीज कॉज करता है? टीआई प्लाज्मेट कॉज करता है क्राउन गॉल डिजीज। वहीं आरआई प्लाज्मेट जो कॉज करता है, वो कॉज करता है हेयरी रूट डिजीज। यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हैं, ये क्राउन गॉल डिजीज में क्या करता है, एक तरीके का ट्यूमर कॉज कर देता है यहाँ पे प्लांट्स में। और वहीं आरआई प्लाज्मेट क्या कॉज करता है? बहुत सारे हेयरी रूट्स कॉज कर देता है प्लांट्स के अंदर। तो अब हम लोग देख लेते हैं टीआई प्लाज्मेट के बारे में डिटेल में। सबसे पहली चीज, इसके साइज के बारे में डिस्कस करेंगे। टीआई प्लाज्मेट का जो साइज होता है वो होता है 200 किलो बेस पेयर्स, मतलब ये काफ़ी एक लार्ज प्लाज्मेट है, इसका साइज काफ़ी बड़ा होता है। दूसरी चीज़, इस टी डीएनए में बहुत सारे अलग अलग रीजन्स होते हैं। सबसे पहला जो रीजन है, ये रीजन है जो कि होता है एक टी डीएनए रीजन। ओके, दूसरा रीजन जो है ये एक विरुलेंस रीजन होता है। तीसरा रीजन एक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन और चौथा ओपाइन कैटाबॉलिज्म। ओके, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो रीजन है जो कि ट्रांसफर होके जाता है प्लांट सेल के अंदर, वो है हमारा टी डीएनए रीजन। टी डीएनए रीजन जो सेगमेंट होता है, ये ट्रांसफर होके जाता है प्लांट सेल में और इसकी जो साइज होती है वो 15-30 किलो बेस पेयर के अराउंड होती है। अब ये जो टी डीएनए वाला जो रीजन है, इसके दोनों साइड दो सीक्वेंसेस होते हैं, एक लेफ्ट बॉर्डर सीक्वेंसेस और एक राइट बॉर्डर सीक्वेंसेस, जिनकी साइज नियर अबाउट 15 बेस पेयर्स होती है। इनको हम लोग बॉर्डर सीक्वेंसेस भी कहते हैं। ये किस लिए नेसेसरी होती है? दीज आर नेसेसरी फॉर ट्रांसफर एंड इंटीग्रेशन टू प्लांट जीनोम। ये बॉर्डर सीक्वेंसेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अगर ये नहीं होंगे तो ये प्लांट सेल में जाके भी उसके जीनोम के साथ इंटीग्रेट नहीं हो पाएगा। तो इन दोनों बॉर्डर सीक्वेंसेस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, तो ये जो टी डीएनए होता है, यही रिस्पॉन्सिबल होता है ट्यूमर कॉज करने का। ये जो पार्ट है टी डीएनए का, यही टी डीएनए का पार्ट जाता है ट्यूमर से मतलब प्लांट जीनोम के अंदर और ट्यूमर का सिक्रीशन करता है, ये रेड वाला एरिया। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ऑक्सिन और साइटोकाइनिन के कोड करने वाले जीन्स होते हैं। ये दोनों फाइटो हार्मोन्स हैं। ये फाइटो हार्मोन्स के होने के वजह से ही जब ये ये टी डीएनए रीजन जब प्लांट के अंदर जाता है
तो ये फाइटोहार्मोन्स का सिक्रीशन बहुत ज़्यादा हाई कर देता है, दैट इज़ ओवर प्रोडक्शन कर देता है इन फाइटोहार्मोन्स का। और जब ये ऑक्सिन और साइटोकाइनिन का नंबर मतलब ओवर प्रोडक्शन होगा, उसकी वजह से प्रोलिफरेशन होगा वाउंड सेल का, जो सेल्स इन्फेक्टेड हैं, और जब उनका ज़्यादा ग्रोथ होने लगेगा तो वो किस में चेंज हो जाएंगे, एक ट्यूमर में चेंज हो जाएंगे। ओके गाइस, ये बहुत ही ईजी है, इसमें कोई भी टेंशन लेने वाली चीज़ नहीं है। तो दोस्तों इस वीडियो में इसको यहीं तक रखते हैं, ये पार्ट वन है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके डिस्कस करेंगे कि आखिर ये जो टीडीएनए वाला जो हमारा रीजन है, ये कैसे ट्रांसफ़र होके जाता है प्लांट के अंदर और प्लांट को कैसे इन्फेक्ट करता है। होप सो आप सभी को ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इससे मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा, मैं और भी ऐसे अच्छे कॉन्टेंट्स आप लोग के लिए लाता रहूँ। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।